पवित्र नारायणी जल अर्पण कार्यक्रम 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जो जिले में निर्मित कुछ अमृत सरोवरों में पवित्र नारायणी जल अर्पित किया जा रहा है और उसे पवित्र बनाया जा रहा है, जो मनोज कुमार पांडे के संयोजन से पूरे जनपद में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कप्तानगंज ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बिशुनपुरा में निर्मित अमृत सरोवर में आज पवित्र नारायणी जल को अर्पित किया गया और उसे शुद्ध बनाया गया। इस अवसर पर ग्रामवासी रहे उपस्थित, वहीं क्षेत्र के आसपास के लोग रहे मौजूद। आइए सुनते हैं जुबन। ग्राम सभा में कैसा कार्यक्रम लगा था? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संयोजक श्री मनोज कुमार पांडे जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो कि अमृत सरोवर में मां नारायणी जल का अर्पण करके उसको पवित्र किया गया। समस्त ग्रामवासी व आए मुख्य अतिथियों का सबका मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूं एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी वंदन करता हूं। पवित्र नारायणी जल अर्पण का कार्यक्रम था बिशुनपुरा विकास खंड कप्तानगंज के अंतर ग्राम सभा में नारायणी का जल अर्पण हुआ यहाँ पे अमृत सरोवर में। यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत से लोग मनोज पांडे जी जो नारायणी सभा के द्वारा जल ले आकर के यहाँ पर अर्पण करने का कार्य किया। नारायणी का जल जो है बिशुनपुरा जो है इलाके जो है जो अमृत सरोवर है उसमें जो है मिलाना था और इस जल को भी पवित्र करना था, ये आज का कार्यक्रम था। और जो इसके संयोजक हैं मनोज कुमार पांडे जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। 75 अमृत सरोवर बने हैं, जिसमें से बिशुनपुरा अमृत सरोवर में आज नारायणी नदी का जल अर्पित किया गया। क्यों? चूंकि एक पुनीत कार्य है, माँ नारायणी हमारी माँ है और माँ का जो जल है वो अमृत के समान है। चूंकि बिशुनपुरा गांव सभा में चूंकि हम लोगों ने तय किया कि यहाँ हम लोग माँ नारायणी का जल अर्पित करेंगे, चूंकि इधर जितने भी गाँव सभा हैं उन सभी गांव सभाओं की अपेक्षा यहाँ का जो अमृत सरोवर है वह काफी आकर्षक और काफी पवित्र है। उस पवित्रता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया है और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए इस गांव सभा के जो युवा प्रधान है भाई सुनील गुप्ता जी, मैं पूरे मंडल की टीम की ओर से, जिले की टीम की ओर से, माँ नारायणी जो कुंभ सामाजिक संगठन है उनकी ओर से कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कार्यकर्तागण नेतागण उपस्थित रहे हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान जी जिस कार्य को अपने ग्राम सभा में संपन्न करा रहे हैं तो पार्टी के निर्देश से ग्राम सभा में विकास के लिए क्या क्या योजनाएं और किस कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ध्यान लगाई हुई? निश्चित रूप से इन्होंने जो अपेक्षा की है, चूंकि यह जो यह पर्यटन स्थल जो बना रहे हैं, यह जो इनका एक यहाँ पर जो पार्क बना हुआ है वो वास्तव में बेमिसाल है, सबसे अच्छा इस ग्रामीण क्षेत्र में, यह बहुत ही अच्छी चीज है। इनकी सोच के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और मैंने इनसे सुबह भी कहा था, इनसे हमारी बात हुई थी, जो भी पार्टी स्तर से या शासन स्तर से या जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय विधायक या माननीय सांसद जी के द्वारा जो भी हो सकता है इनके कार्य में हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे और इसको और भव्यता प्रदान करने के लिए हम लोग जितना भी संभव प्रयास होगा हम और भाई रविंद्र प्रसाद जी उसके लिए अपने जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं इनके सोच को मैं दाज दे रहा हूँ, इनकी सोच बहुत अच्छी है और मैंने आपको आश्वस्त किया है पहले भी, अब भी कर रहा हूँ कि इसके विकास के लिए जो भी चीजें हो सकेंगी हम लोगों के स्तर की वो हम लोग करेंगे। माननीय विधायक माननीय सांसद जी से जो भी यहाँ जरूरत की चीजें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं इस गाँव के लिए या इस पार्क के लिए, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे।